Social List is brought to you by Sportsbet. हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। सबसे पहले बात, आज के शो में क्या है खास। यूपी सरकार के 4 साल पूरे सोशल मीडिया पर मची रही मार। अभिषेक की फिल्म का ट्रेलर आया लेकिन लोग सीरीज के गुण गा रहे हैं। किसान आंदोलन के बीच हो गई शादी, फिर वायरल है वीडियो। पिक ऑफ द डे में करेंगे बात बस्तर से आई उन तस्वीरों की जो आपको सिद्धार्थ और देवदत्त की कहानी याद दिला देगी। लेकिन उस सबसे पहले कुछ गलतियों की बात। ओडिशा की खबर कल हम सुना रहे थे आपको और हमने जाने किस झोंक में गंजाम जिले को गंजनम कह दिया था। गंजाम वाले माफ कर दें, एक जगह जोक मार रहे थे कि जिस तरह से उत्तराखंड टूरिज्म वाले हैंडल से तीरथ सिंह रावत के खिलाफ ट्वीट लाइक किए जा रहे थे, जैसा सौतेला व्यवहार हो रहा था, पक्का उस हैंडल का पासवर्ड त्रिवेंद्र सिंह रावत के पास होगा, मतलब पुराने वाले मुख्यमंत्री के पास होगा। यहाँ हमने गलती से दोनों बार तीरथ सिंह रावत का नाम ले लिया था, जोक मारने चले थे, खुद ही लटपट आ गए। कोई बात नहीं, उनकी जुबान में फिसलती है, हमारी भी फिसलती है, लेकिन कोई बात नहीं, आगे ही बढ़ते हैं, बताते हैं आपको सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। ट्विटर पर ट्रेंड होता नजर आया स्कैम 1992, अभिषेक बच्चन और हर्षद मेहता, ये सब नाम भी ट्रेंड हुए। काहे के द बिग बुल का ट्रेलर आया है, जिस किसी ने भी ट्रेलर देखा कहा वाह क्या ट्रेलर है, लेकिन ये तब आया है जब हम सब स्कैम 1992 देख चुके हैं। लोगों ने कहा टीम स्कैम 1992 के सेट किए बार को कभी कोई नहीं छू पाएगा, काहे के फालतू के रैप नहीं थे, थीम म्यूजिक था, फालतू का ड्रामा नहीं था, चहल और रॉक की फोटो लगा के अभिषेक बच्चन और प्रतीक गांधी की एक्टिंग की तुलना हुई। लोगों ने कहा अगर बिग बुल स्कैम 1992 के पहले आती तो जरूर हिट हो सकती थी। ट्विटर पर नजर आया बड़ा प्यारा सा वीडियो रागिनी नाम के हैंडल पर मिला। एक बच्चा महिला की गोद में बैठा रोए जा रहा था लेकिन बड़े सुर में गा रहा था, मतलब रो रहा था। आगे लिखा मिला माँ की गोद में बैठी बच्ची या बच्चा बड़ा हो चुका होगा, माँ का रियाज जारी होगा, लेकिन इस बच्चे में संगीत के जो संस्कार आए वो अमिट रहेंगे। फिर उन्होंने सभी कलाकारों से अनुरोध किया कि कार्यक्रमों में 8 से 10 साल के बच्चों के आने पर पाबंदी ना लगाएं। आगे उन्होंने सुर में रोने वाले बच्चे की जानकारी भी मांगी। लोगों ने बताया कि ये प्रियंका बर्वे हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं। हमने खोजा तो इंस्टाग्राम पे पाया कि 19 जनवरी का ये वीडियो है, गोद में उनका 5 महीने का बच्चा था और उसी के साथ उसी के गाने उसी के रोने से आया ये प्यारा सा वीडियो। छोटा सा हिस्सा आपको दिखाते हैं इसका। दिखाते हैं एक और वायरल तस्वीर। तस्वीर क्या है, कार्टून की स्ट्रिप है आर्ची कॉमिक्स में 1997 के फरवरी महीने में छपे बेटी हाई स्कूल 2021 AD का हिस्सा है, जिसमें ऐसी बातें हो रही हैं कि रिमोट क्लास चल रही हैं, बच्चों को स्कूल तक पढ़ने नहीं जाने पड़ता, घर में ही पढ़ लेते हैं, मौसम की चिंता नहीं करनी पड़ती जैसा हम सब करते हैं, उसमें बच्ची भी कर रही है कि मुंह बंद रखो क्लास शुरू होने वाली है। बेसिकली ये कल्पना थी कि 2021 में दुनिया और एजुकेशन कैसी होगी, कंप्यूटर में लगे कैमरे से पढ़ाई होगी, सेम वही अब हो रहा है, बस कार ही है जो उड़ नहीं रही है। अब यही कार्टून स्ट्रिप वायरल है। आप करिए ये कि कमेंट बॉक्स में बताइए कि 2041 की दुनिया कैसी होगी, तब के स्कूल कैसे होंगे, फिर 20 साल बाद आपके शायद वो कमेंट वायरल हो रहे हों। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दिन के और बड़े ट्रेंड्स की। आज दिन है जब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने 4 साल पूरे कर लिए। चूंकि पार्टी अवसर को इवेंट में बदलने वाली है इसलिए उसी किस्म के काम भी हुए, उनका IT सेल भी एक्टिव रहा और यूपी सरकार के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी, हाँ दोनों में अंतर होता है, नाना प्रकार के ट्रेंड चलते रहे, जैसे उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री श्री योगी सरकार, #4 साल, चौपट हुआ हाल, #योगी जी के 4 साल, बेमिसाल तो टॉप पर रहा, थोड़ा नीचे नजर आया #4 साल यूपी बेहाल।
तारीफ में हैशटैग योगी जी के 4 साल बेमिसाल चला तो विकास की बातें करते हुए लोगों ने लिखा, इतना काम किया है अब उसे यूपी का नाम स्विट्जरलैंड। ये तारीफ ही थी या कोई मजे ले रहा था? यहाँ तो डेफिनेटली मजे लिए जा रहे थे। कहा गया बेमिसाल 4 साल देख के योगी जी भी सोचते होंगे ये मैंने कब किया। रिटायर्ड IAS सूर्य प्रताप सिंह इस मौके पर वो दूसरा वाला ट्रेंड हैशटैग 4 साल यूपी बिहार चलाते लिखे। कहा गया IT सेल से मुकाबला है, पूरा दिन योगी वर्सेस विरोधी ट्विटर वाला मामला चलता रहा, कभी ये आगे कभी वो पीछे टाइप बातें हुई, ऐसी बातें भी चलती रही कि बताओ उनके ट्वीट ज्यादा है लेकिन ट्रेंड में वो कम है वगैरह। इसी हैशटैग तले अखबार की कतरने भी चली, जैसे रोजगार मांगने पर 103 छात्रों पर केस। शेष पोल वोल भी आज बहुत चले, डिलीट भी कुछ हो गए, एक हमारे यहाँ भी लगा है ट्विटर पर, दोनों पक्ष के लोग उस पर एकदम गिर पड़े हैं, जम के वोट कर रहे हैं। ट्विटर पर हमने भी पिन कर दिया है, पिंड पोस्ट है, देखना है 24 घंटे में उधर क्या नतीजा आता है। ये वाला डिलीट नहीं होगा जी। अब बात करते हैं अपने होम टाउन के माने रीवा की। एकदम अलग किस्म का माहौल चल रहा है। नहीं, ये वो वाला माहौल नहीं है, अलग माहौल की बात हो रही है। वैसे तो वहां के सोशल मीडिया की बड़ी खबर तो ये है कि तिवारी का फूफा वोट में हराए दिन और तिवारी का हाथ लगा हैकिंग हो गया। माने हुआ ये है कि वहां के 2 यूट्यूबर्स जो कभी साथ में काम करते थे, एक ऑनलाइन पोल का नतीजा आने के बाद उनके फैंस आपस में लड़े पड़े हैं। उसी बीच ये खबर आई कि किसान आंदोलन की जगह पर धरने वाली जगह में शादी हो गई। हो ये रहा है कि वहां की एक मंडी में 75 दिन से किसानों का आंदोलन चल रहा है, वहीं सचिन और आसमा की शादी हुई। सचिन के पापा संयुक्त किसान मोर्चा के कोषाध्यक्ष हैं, इसलिए वो आंदोलन से हटे नहीं, वहीं शादी ही करा ली। कहा गया कि सरकार को संदेश दे रहे हैं कि शादी जैसे जरूरी काम के लिए भी हम धरना नहीं छोड़ेंगे। आग की जगह बाबा साहब के फेरे लगाए गए, संविधान की शपथ ली गई। अब इस मौके का जो वीडियो है वो वायरल है, नेशनल मीडिया तक जा पहुंचा है, चल रहा है नाम। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, भारत का संविधान जिंदाबाद, जय जवान। सोशल लिस्ट में आप बात है पिक ऑफ द डे की। पिक ऑफ द डे में आज आपको दिखाते हैं बस्तर से आई तस्वीरें। ये तस्वीरें बस्तर टॉकीज नाम के ट्विटर हैंडल से हमें मिली और वहीं से पता चली इन तस्वीरों के पीछे की कहानी, जिसको सुनकर आपको मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है वाली कहानी याद आ जाएगी। दरभा के कांदानार पयार भाटापारा के सुकड़ा मुचाकी किसी काम से पगडंडी पर जा रहे थे। वहां नक्सलियों ने पुलिस वालों को निशाना बनाने के लिए लोहे और बांस की स्पाइक लगाई थी, उसी में सुकड़ा गिर गए। चोट आई लेकिन उन्होंने डर के मारे किसी को बताया नहीं। लेकिन जब पुलिस को पता चला तो कल उन्होंने सुकड़ा मुकाची को खोजा, उनके गांव से कोलेंग कैंप तक 10 किलोमीटर स्ट्रेचर पर लाद कर पहाड़ी रास्ते पर पीठ पर चढ़ाकर इलाज के लिए लाया गया और फिर वहां से आगे इलाज के लिए भेज दिया गया। बात यहां पर सीधी सी है, इंसानियत की है, कुछ लोग दूसरों की जान तक ले लेना चाहते हैं। वहीं एक आदमी की चोट के लिए पुलिस इतनी तकलीफें सह रही है, इतने एफर्ट कर रही है, पीठ पर लाद कर पहाड़ लांघ रही है। आज के सोशल लिस्ट में इतना ही, अब होगी मुलाकात सीधे सोमवार को, तब तक के लिए हम चले टाटा।